नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। वैसे तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर को देखकर तसल्ली मिलती है, लेकिन फरीदाबाद के वल्लभगढ़ शहर में इन दिनों एक डॉक्टर है जिनके शहर स्थित दुकानों में घुसते ही बेईमान दुकानदार के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं तथा मिलावटी खाद्य वस्तु बेच रहे दुकानदार के माथे पर परेशानी की शिकन आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों शहर में खाद्य वस्तु एवं मिष्ठान भंडार चलाने वाले दुकानदारों के बीच चर्चा का विषय। मिलावटी खाद्य वस्तु बेचने वाले दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन रहे सिविल अस्पताल वल्लभगढ़ में कार्यरत SMO डॉक्टर मानसिंह की। डॉक्टर मानसिंह की माने तो पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार सरकारी अस्पताल में त्योहार के समय मिलावटी मिठाइयां खाने से बीमार हुए मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसके मुख्य कारण वल्लभगढ़ शहर में पिछले 2 महीने से विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर की जा रही छापेमारी थी। डॉक्टर मानसिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले में प्रतिवर्ष त्योहारों के मौके पर मिलावटी मिठाइयों का सेवन करने से सैकड़ों लोग फूड प्वाइजनिंग व अन्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाते रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या इस बार कम हुई है। मैं डॉक्टर मानसिंह SMO के पद पर सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, दिवाली का त्यौहार जा चुका है, अभी आपको हाल ही में आपकी बड़ी बड़ी कवरेज मीडिया में आई है, आपने नमूने लिए मिठाइयों से खोआ के पनीर के, तो पहले तो दर्शकों को आप ये बताएं कि कितने आपने नमूने लिए? मैंने लगभग 15 से 20 के बीच में नमूने लिए। मेरे अलावा और भी अधिकारी हैं जो ले रहे हैं नमूने को। डॉक्टर साहब, लगभग लाख से ऊपर हमारे बल्लौड़ की जनता है, सैकड़ों दुकानदार हैं, और आप कह रहे हैं सिर्फ मैंने 15 से 20 नमूने लिए। क्या ये साफ साफ तौर पे जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है कि 15-20 नमूने लेकर के खाना पूर्ति कर दी गई? हमें सरकार से अभी आदेश मिले थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस कारण से हमें जैसे ही आदेश मिले हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और हम ले रहे हैं बाकायदा, और काफ़ी इससे अंकुश भी लगा है। इस बार मिठाइयों की कम से कम 60% मिठाइयों की दुकानें नहीं खुली हैं, और जो 40 भी खुली है उनको विशेष हिदायतों के साथ किसी भी मिठाई पे कोई मक्खी वगैरह नहीं बैठी होनी चाहिए। जिसमें कोई मक्खी वगैरह मिली है उसको हमने बाकायदा गड्ढा खुदवा के फेंकवाया है, दबाया गया है, सारी बहुत तेजी से प्रक्रिया जारी रखी है। उसके अलावा हमने यहाँ पे इमरजेंसी में भी आदेश कर दिए हैं, कोई भी किसी तरीके का फूड पॉइजनिंग का पेशेंट आता है और बाहर से कोई चीज खा रखी है तो उसका तुरंत प्रभाव से आप मैसेज दें, उसका सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा भी हमने बाजार में भी मार्केट वगैरह में भी सभी चीजों को ढकवाया जिससे मक्खी वगैरह ना बैठे। डॉक्टर साहब, ये सैंपल लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएं। दूसरा, इनकी रिपोर्ट कब कब आती है वो पहले आप बताएं। हम सैंपल लेते हैं, 4 पोर्शन में सैंपल लेते हैं, उसी दुकानदार के सामने लेते हैं, उन्हीं के सामने सील करते हैं, उनके दस्तखत कराते हैं बाकायदा और उनको नोटिस देते हैं। उसके बाद हम एक सैंपल को सीधे लैब भेज देते हैं पार्सल करके, और 3 सैंपल को सिविल सर्जन ऑफिस में जमा करा दिया जाता है और उनसे रिसीविंग भी ले ली जाती है। इनकी रिपोर्ट कितने दिनों में आ जाती है? लगभग कम से कम मैंने सुना है महीना भर में, मेरे को अभी रिपोर्टें मिली नहीं है। मैंने SDM साहब ने भी कहा था, मैंने उनको लिख के भी दिया है, रिपोर्टें मांगी हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, मैंने पहली बार भरे हैं कि कितने टाइम में रिपोर्ट आएगी। डॉक्टर साहब, आपका खुद का कहना है कि मैंने महीने भर हो गया रिपोर्ट नमूने लिए हुए, मैंने लैब में भिजवा भी चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसका सीधे सीधा मानना एक तरीके से है कि जिन्होंने मिठाइयों में मिलावट की, खोआ में मिलावट की या पनीर में मिलावट की, और वो माल दिवाली के समय पर बिक चुका है, आपने नमूने ले भी लिए, और मान लो अगर उनके खिलाफ कुछ आ भी जाता है तो, लेकिन जनता ने तो वो खरीद लिया, जनता ने तो खा भी लिया, वो यूज कर लिया, तो सीधा सीधा क्या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस पर क्या आपको सुझाव देना चाहेंगे? सीधी सीधी एक कमी है स्वास्थ्य विभाग की अगर देखा जाए। बिल्कुल, मैं इसमें सुझाव देना चाहूंगा, जो मेरी स्पेशल बात है, मैंने 2 तरह के मुहिम चलाए थे। जो आंखों से खराब दिख रहा है उसको मैंने गड्ढा खुदवा के दबाया तुरंत प्रभाव से, जो दिखने में ठीक लग रहा है उसका सैंपल भेज दिया गया। अब मैंने पहले भी ये मीडिया के सामने निवेदन किया था कि सरकार कर सकती है, एक मोबाइल वैन में सारी मशीनें इंस्टॉल हो और तुरंत सेम डे अगर उसकी रिपोर्ट मिल गए और तुरंत उसके साथ कार्रवाई कर दी जाए
तो ये बहुत बेहतर होगा और इस पे अंकुश भी लगाया जाएगा और स्वास्थ्य के साथ भी भला होगा और नाना प्रकार की कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कोई वहां जाके सेटिंग कर रहा है, इससे भी मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक आम जनता का भरोसा अभी भी स्वास्थ्य विभाग पर बिल्कुल भी नहीं है। आम जनता ये कहती है कि अधिकारी आते हैं, अपनी जेब में भर के चले जाते हैं, एक सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 10-12 दुकानदारों के नमूने ले लेते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो आपको अनुरोध करना चाहूंगा, फूड डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट को आप मिक्स मत करो। इसको सैंपलिंग का काम पहले फूड करता था, हेल्थ डिपार्टमेंट पे इसी साल कुछ ही टाइम पहले ये ऑर्डर आए हैं जो हमने भरने हैं। नहीं तो फूड वाले अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल लेता था, वो अभी भी ले रहे हैं, उनकी प्रक्रिया वो जाने। लेकिन मैंने जितने भी गोदाम मिले, काफियों में मक्खियां भी मिली हैं और 50-50 100-100 टन माल भी देखे हैं और बहुत बुरी कंडीशन में। अब वो क्या कारण है, वो इस बात के फूड वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, इसको प्लीज हेल्थ डिपार्टमेंट से मिक्स ना करें। आने वाले समय में जनता निश्चिंत हो जाए बल्लभगढ़ की हाँ, अब हमें डॉक्टर मान सिंह मिल गया है, अब हमें अच्छी मिठाइयां खाने को मिलेंगी। ये मैं 100% अगर 6 महीने में यहाँ पे रहा तो 100% मैं कह सकता हूं, अगर मेरे साथ शासन प्रशासन सारा साथ दे रहा है, इसी तरह से साथ देता रहा, तो 6 महीने के अंदर बल्लभगढ़ से मिलावट बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और तो और इसके अलावा मैंने तो एक सर्वे भी कराया कि 5 साल का अपना यहाँ पेशेंटों का सर्वे उठाया, उसमें मैंने एक सर्वे कराया था जो 5 साल का मरीजों का यहाँ उठवाया। यहाँ दिवाली पे जितने भी पेशेंट आते थे, मैंने पूरा डाटा निकलवाया अपने सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ का, जिसमें जो 5 साल पहले मरीज आए थे वो 125 मरीज थे, उसके बाद 2014 की बात है, 2015 में 134 आए, 2016 में 174 आए, 2017 में 198, और एकदम से 2018 में फिर वही 2014 वाले 127 मरीज आए। इससे और तो और फूड पॉइजनिंग के अलावा काफी बीमारियों पे, और 6 महीने में मैं गारंटी देता हूं कि बल्लभगढ़ से मिलावट को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मैं बार बार इनको भी बोल रहा हूं कि जो भी मिलावट खो रहे हैं यहां से छोड़ के कहीं और दुकान खोल ले, बल्लभगढ़ में बिल्कुल ये मिलावटी सौदा नहीं चलेगा। इससे और तो और काफी बीमारियों पे भी फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूं, एक तो जो सस्ते सामान के चक्कर में ना पड़े, दूसरा मैंने एक और भी अपील की थी कि अगर किसी को कोई भी मिलावटी करने वाला आदमी मिलता है तो उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, मेरा सहयोग करें और मेरे को सूचना दें उसकी, जिससे मैं उसको जल्द से जल्द सैंपल भरकर उसके मिलावटी कार्यवाही को खत्म कर दूं।